हेलो गाइज, मैं हूँ राघवेंद्र। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, आप सब ने हम कभी ना कभी अपने बचपने में या जब आप बड़े हो या टीनेज हो, आप गेम तो खेलते ही होंगे। तो या अपने फ़ोन में खेलते होंगे, या लैपटॉप में खेलते होंगे, या पीसी में खेलते होंगे, या फिर प्लेस्टेशन में खेलते होंगे। तो गाइज, आप जब लैपटॉप और जैसे प्लेस्टेशन का एक नया रिमोट आता है, तो आप जब अपने लैपटॉप और पीसी में खेलते होंगे, तो गाइज आपने ये चीज़ ज़रूर चेक करी होगी कि आपका एक हैंड लेफ्ट साइड रहता है और आपका एक हैंड राइट साइड रहता है। लेफ्ट हैंड के अंदर आपके गाइज चार बटन रहते हैं, AWSD, और राइट साइड के अंदर आपके चार एरो बटन रहते हैं। तो गाइज उसके अंदर आपको खेलने के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स ही फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आपके एक बारी के अंदर दोनों, अगर आप स्टार्टिंग में खेलते हैं तो आपके दोनों हैंड एक साइड से काम नहीं कर पाते, मतलब इक्वली काम नहीं कर पाते। आपको उसे खेलने के अंदर बहुत ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसे पहले सीखना पड़ता है, फिर आपके धीरे धीरे हाथ बैठ जाते हैं। और कुछ कुछ गेम ऐसी होती है जिनके लिए हमें अलग से की यूज़ करनी पड़ती है। तो गाइज उसी के लिए एक कंट्रोलर आता है, गेम कंट्रोलर आता है, जो प्लेस्टेशन के रिमोट जैसा दिखता है। जैसे आपने प्लेस्टेशन का रिमोट देखा होगा, उस कंट्रोल की मदद से हम इजीली सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, हम फटाफट चेक करते हैं कि उस कंट्रोलर के अंदर ऐसा होता क्या है। तो गाइज, ये मैंने यहाँ पे गेम का कंट्रोलर लिया हुआ है, जो कि लैपटॉप और पीसी के अंदर लग जाता है। और आपको ये मैं दिखा दूँ, ये देखिए, ये इस पर कुछ ये आपका डायरेक्टली पीसी और लैपटॉप के अंदर लग जाता है। और ये कंट्रोलर कुछ ऐसा है सिमिलर टू सिमिलर प्लेस्टेशन जैसा। इसमें कभी आपको आश्चर्य रहता होगा कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो ये है, ये आपके ये इजीली ये घूम के एक ही जगह पर आ जाते हैं। ये आप देख रहे हैं गाइस, ये आप चेक कर रहे हैं, कभी आप ये चेक करते होंगे, ये आपके इजीली घूम फिर के एक ही जगह पर कैसे आ जाते हैं। ये देखिए, मैं इसको घुमा रहा हूँ अभी यहाँ पर। ये थोड़ा सा पुराना है, पर ये यहाँ पे कंट्रोलर या रिमोट आप कुछ भी कह सकते हैं, जो बिल्कुल प्लेस्टेशन के जैसा दिखता है। आगे से भी आपने देख लिया, आपने पीछे से भी देख लिया, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो पीसी का कंट्रोलर आता है, रिमोट आता है, वहाँ पे आपको जो सिंबल देखने के लिए मिलेंगे वो वहाँ पे 1, 2, 3, 4 इसमें कुछ ऐसे दिखने के लिए मिलते हैं। अगर आप लोगों ने प्लेस्टेशन का रिमोट देखा होगा तो आपको यहाँ पे एक्स, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे प्लेस्टेशन की बैजिंग होती है, और यहाँ पे बाकी के सारे कंट्रोल एज इट इज सेम रहते हैं। यहाँ पे दो बटन है, जहाँ पे यहाँ पे एल लिखा है, L1 L2 इसे बोलते हैं। यहाँ पे R है, यहाँ पे R लिखा हुआ है, तो यहाँ पे R1 R2 इसे बोलते हैं। और पीछे देखेंगे इसके अंदर कुछ 4-5-6 पेज लगे हुए हैं, जैसे कि हम फटाफट से खोल कर देखेंगे कि इसके अंदर होता क्या है, और ये जो बाकी जॉयस्टिक्स है इसे ये बार बार घूम फिर के एक ही जगह पर कैसे आ जाती है, ऐसा इसके अंदर क्या लगा हुआ है जो ये जॉयस्टिक बार बार घूम कर एक ही जगह पर आ जाती है। वाइज यहाँ पे मेरे कैमरे का माइक ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा पार्ट वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो वाइज चलिए हम फटाफट से यहाँ पे अपने कुछ टूल्स लेते हैं और फटाफट से इस रिमोट को खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है। तो वाइज इसके अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ 6 पेज लगे हुए हैं, इन 6 पेज को खोल कर तभी पता लगेगा कि इस रिमोट के अंदर क्या है। तो गाइज अगर आपको मैं हल्का हल्का आइडिया दे देता हूँ, जहाँ तक मेरे अंदाजे से मेरे को ये पता लगता है कि जैसे कि हमने कीबोर्ड वाली वीडियो में आपने अगर देखा होगा, जैसे कीबोर्ड में जो बटन्स लगे थे उनके पीछे रबर के छोटे छोटे कप्स लगे हुए थे, जो कि एक तीन शीट लगी थी, उन 3 शीट के पीछे जाके वो टकरा रहे थे, जिसकी वजह से वो कीबोर्ड चलता था, टाइप होता था। तो गाइस जहाँ तक मुझे थोड़ा सा आइडिया ऐसा लगता है कि इसके अंदर भी कुछ शीट लगी होंगी या शीट वगैरह का कोई आइटम लगा होगा, जिसकी वजह से ये पूरा रिमोट कंट्रोल अंदर से चल रहा होगा, जिसकी वजह से ये बटन अपने आप में काम करते होंगे। तो गाइस यहाँ पे हमें मेन चीज़ चेक करनी है, जो मेन चीज़ है वो ये जो जॉयस्टिक्स हैं, वो जॉयस्टिक्स चारों तरफ घूम फिर के अपनी जगह पर कैसे आ जाती हैं। तो गाइज आप ये देख रहे होंगे कि ये जो छोटे छोटे ये बोल्ट्स हैं, इन्हें खोलने के अंदर ये खोलने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ये खुल चुका है, और ये आगे के भी दो L1 R1 R2 बटन है, और L1 L2 बटन है, इनके अंदर भी मेरे को देखना है इनके पीछे भी शीट है या क्या है। ओ गाइज यहाँ पे आपने देखा क्या है, आपको पता है गाइज ये क्या है? चलिए गाइज आपको मैं गैस इसे आप करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये क्या है। तो गाइज अगर चलिए आपने गैस कर लिया होगा तो मैं आपको ये बता ही देता हूँ। तो गाइज ये वाइब्रेटर है। तो वाइब्रेटर आप पूछेंगे कि किस काम आते हैं, अगर आपने प्लेस्टेशन खेला होगा तो आपको पता होगा कि ये जो आपकी या कोई भी कार गेम खेलते होंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई भी आप कार गेम खेलते होंगे तो आपकी कार कहीं भी टकराती होगी तो आपका रिमोट वाइब्रेट होता है। तो गाइस वो वाइब्रेट किन की मदद से होता है, तो वाइब्रेट गाइस इनकी मदद से होता है। हमें यहाँ पे एक नई चीज़ और पता लगी है गाइस,
कि ये तो छोटे छोटे वाइब्रेटर भी लगे हैं इसके अंदर। मैं तो सिर्फ जॉयस्टिक सोच रहा था, पर इसके अंदर वाइब्रेटर भी लगे हैं। तो गाइज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो ये यहाँ पे कोई प्लास्टिक ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी हुई है जैसे कीबोर्ड में लगी हुई थी, प्लास्टिक की पॉलीथीन कुछ नहीं लगा हुआ है। तो हम फटाफट से खोल के देखते हैं ये जो चिप के पीछे जॉयस्टिक किससे अटैच है। तो गाइज ये क्या, ये जॉयस्टिक हम किस पे देख रहे हैं? तो गाइज इसे पता नहीं एक्चुअली इसे हम बोलते क्या हैं, शायद मुझे नहीं पता कि इसे बोलते क्या है, पर ये कुछ इस तरीके से ये जॉयस्टिक चलती है। तो गाइज आप देखते हैं कि दोनों में कुछ इसी तरीके का है, मैं आपको दिखाता हूँ ये जॉयस्टिक किस तरीके से चलती है। तो इसे गोल गोल घुमाते हैं, ये चारों तरफ गोल इसी तरह घूम के ये कुछ बीच में आ जाती है जो कि एक छोटी सी चिप के ऊपर ये दोनों छोटी छोटी चीज़ें लगी हुई हैं। तो गाइज और ये आप बीच में देख रहे होंगे कि बीच में ये एक वाइट सी शीट है, ये उससे कनेक्ट है, शीट कह सकते हैं या फिर वायर कह सकते हैं, ये जिससे कनेक्ट है ये बड़ी चिप से जो छोटी चिप कनेक्ट है। तो चलिए फटाफट से गाइज हम बड़ी चिप खोल के देखते हैं कि बड़ी चिप के अंदर क्या है। तो बड़ी चिप हम एज इट इज़ निकालते हैं, ऐसे खोलने के लिए इसके अंदर कोई पेच या बोल्ट नहीं लगा हुआ है गाइज। तो हम पहले इस तार को रिमूव कर लेते हैं और इस बड़ी वाली चिप को निकाल लेते हैं। तो गाइज जैसा मैंने कहा था कि ये बड़ी वाली चिप भी जो है, अच्छा तो गाइज इसके अंदर आपने देखा होगा ये जो R1 R2 लगे हुए हैं यहाँ पे भी कोई शीट नहीं लगी हुई है, यहाँ पे भी बस ये आपके ये जो दो छोटी छोटी चिप लगी हुई है। और यहाँ पे मैंने आपको सही कहा था ना गाइज, ये यहाँ पे रबड़ के कप लगे हुए हैं पीछे की साइड जैसे कि कीबोर्ड के अंदर लगे हुए थे, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में भी रबड़ के कप लगे हुए हैं और ये जो 1 2 3 4 है इसके अंदर भी रबड़ के कप लगे हुए हैं और बीच में सेलेक्ट का बटन होता है और एनालॉग का बटन होता है उसमें भी ये रबर लगी हुई है जो कि सीधी ये छोटी सी चिप में जाके लगते हैं और आपका रिमोट काम करता है। तो गाइस मैं आपको पीछे का ऐसा दिखाता हूँ कि इसके अंदर का पीछे का R1 R2 कैसे काम करता है। तो ये R1 के R2 में मैं बटन निकाल देता हूँ, जो चिप है ये सीधी खड़ी हो जाती है, जो खड़ी होके लगती है वो सीधी R1 R2 पे लगती है। तो गाइस यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे सीधा ये 1 2 3 4 के बटन है और ये लेफ्ट राइट के बटन है और भी बीच में सेलेक्ट के बटन है और ये आपके जॉयस्टिक के बटन है। तो गाइस जॉयस्टिक कुछ इस तरीके से आप जितनी मर्जी गोल गोल घुमाने के बावजूद भी बीच में आ जाती है। तो गाइस मेन चीज़ मैंने आपको एक चीज़ और दिखाई है, जो ये वाइब्रेटर है, ये वाइब्रेटर गाइस बहुत ही मज़ा आ जाता है अगर आप इससे गेम खेलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरी इस मेहनत के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस सब्सक्राइब आपने अभी तक मेरा एक भी वीडियो नहीं कराया है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो जिससे कि मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़े और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।